हेलो दोस्तों, नमस्कार। आयुर्वेदा पंकज चैनल में स्वागत है। जैसे दोस्तों, मैं जड़ी बूटी और औषधि को विषय में वीडियो बनाते रहता हूँ, उसी के श्रृंखला में दोस्तों एक और वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें बवासीर, जो पाइल्स की समस्या होती है, बवासीर की समस्या होती है, उसको दूर करने का आज मैं तीन ऐसे एक औषधि बताऊंगा, दो ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से दूर कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कितना भी पुराना बवासीर की पाइल्स की समस्या हो, आपको 100% इसमें रिजल्ट आता है। इसमें कोई दुराई वाली बात नहीं है, आप 100% ठीक होते हैं, लेकिन आपको थोड़ा इसमें समय देना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं उन भाइयों को जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप अगर एक लाइक कर देते हैं हमारे लिए, तो हमारा जो मनोबल है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि बता दूं, मैं सबसे पहले बताऊंगा जो औषधि है, दोस्तों नीम। नीम आप सुनेंगे तो आपको साधारण सा लगेगा कि आप इससे कैसे पाओ सिर्फ जो पाइल्स की समस्या इसको दूर करेंगे, लेकिन अपने आप में बहुत ही दुर्लभ शक्तियों और चमत्कारी शक्तियों को छिपा के रखा है नीम के जो औषधि है, तो दोस्तों, जिसका प्रयोग कभी लोग करते नहीं है और उनको नॉर्मल सा लगता है, लेकिन जब प्रयोग करोगे तब इसका जो रिजल्ट है आपको अपने आप में समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि इसको करना क्या है। जैसे देख लीजिए कि आप 30 30 ग्राम लगभग नीम के पत्ते, 30 ग्राम लगभग नीम के फल, 30 ग्राम लगभग नीम के फूल, 30 ग्राम लगभग नीम के छाल, 30 ग्राम लगभग नीम के जड़, इन सभी मात्रा को बराबर मात्रा में आपको सभी इन सभी जितना भी जड़ है, पत्ते हैं, फूल है, फल हैं, सभी को बराबर मात्रा में मिला लेने हैं। इसके बाद इसको पीस लेना दोस्तों, आपको लिक्विड बना लेना है पीस के, और इसमें आप मूली के रस ऐड करेंगे 30 ग्राम। मान लीजिए 30 ग्राम, जितना ज्यादा बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, पर जितना ग्राम आप ऐड करेंगे उतना ही ग्राम सबको बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है। इतना को मिला के एक डब्बे में भर लेना है आपको, और पर डे खाली खाली पेट आपको सेवन करना है। लगभग लगभग 10 से 12 दिन होते होते आपको इसमें पावर की जो पाइल्स की समस्या, इसमें बहुत जल्दी आराम होना चालू हो जाएगा, और लगभग लगभग 20 से 25 दिन होते होते आपको ये समझिए कि आपकी जो समस्या पावर सिर कहे, चाहे खूनी हो चाहे मस्से वाली हो, आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगी इसमें से। और दूसरी जो औषधि है दोस्तों, बता दूं मैं, औषधि नहीं है ये, नुस्खे हैं। मान लीजिए जो दूध होता है, जो गाय का कच्चा दूध होता है, जैसे अभी निकाले हैं दूध, जो दूध दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें, दूध जो हो पेवर दूध होना चाहिए, जो उसमें पानी मिलावट नहीं होना चाहिए। आपको लेना क्या है, एक एक कटोरा जो होता है, कटोरा से कम होना चाहिए, प्लेट मान लीजिए, एक प्लेट आपको कच्चा दूध लेना है, और एक लेमन लेना है। अगर आपको पाइल्स की किसी भी, अगर मस्से वाली हो फिर भी चलेगा, और खूनी वाली हो फिर भी चलेगा, आपको लेना है एक कटोरे दूध और एक लेमन जो नींबू होता है दोस्तों उसको लेना है, और एक प्लेट में क्या करना है, जो नींबू के जो रस होंगे, लेमन के जो रस होंगे, उसको निकाल लेना है। इसके बाद दूध को एक कटोरी में रखना है, और एक कटोरी में क्या रखना है, लेमन लेमन का रस को। और दोस्तों, आपको इतना फास्ट इसको मिलाना है, जैसे आप लेमन की जो रस होती है उसको दूध में डाले, और डालते ही आपको पी जाना है, 1 सेकंड के अंदर अंदर ही पूरा काम हो जाना चाहिए आपके मुंह से पूरा पेट तक उतरने में, क्योंकि अगर खट्टा अगर दूध में पड़ेगा तो दूध फट जाता है। तो जैसे डाले और ऐसे मुंह में डाल दीजिए, जाके पेट में फटे, तो दोस्तों आपका नुस्खा 100% काम कर जाएगा। आप एक ही बार करेंगे तभी एक ही बार में आपको आराम मिल जाएगा इसमें, कोई दुराई वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इसको आप करके देख लीजिए एक बार, इस नुस्खे को आप उपयोग कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और दूसरी जो नुस्खा है दोस्तों, ये है लहसुन के छिलके। अगर आपको खूनी की समस्या है, खूनी बवासीर की समस्या है, तो लहसुन के जो छिलके होते हैं, इसे 2 ईंटें रख लीजिए। 2 ईंटें रखने के बाद कुछ छिलके इंतजाम कर लीजिए, छिलकों छिलके में दोस्तों ऐसे आग लगाएं जिसमें आग ना लगे, सिर्फ धुआं उठे उसमें से, और 2 ईंट करके आप कपड़े खोल के जैसे शौचालय में बैठते हो वैसे बैठ जाइए, और हल्का हल्का उसमें जो धुआं पड़ता हो धीरे धीरे पड़ाए में धुआं, दोस्तों तुरंत राहत आपको खूनी बवासीर में तुरंत राहत मिल जाएगा। और ऐसे 4 से 5 बार करेंगे तो आपको जो हमेशा के लिए जो खूनी बवासीर की समस्या है दूर हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैं वीडियो बनाते रहता हूँ आपको, आप लोग के लिए, आप वीडियो को देख के रखे रहिए, पता नहीं जीवन में कब आपको ये समस्या आ जाएगी, और आप दर बदर पैसे बर्बाद करेंगे और भटकेंगे इधर उधर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे ऑडियंस है, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो वो कहीं भटके मत, चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। आपको पता है कि इसमें कौन कौन से वीडियो अपलोड होते रहता है, आप जो भी वीडियो अपलोड होता है वीडियो को देखिए और छोड़ दीजिए, आपको याद रहेगा कि हाँ इस चैनल में ये वाला वीडियो अपलोड हुआ है। अब कभी भी आपको याद रहेगा, जब भी आपको समस्या होगी, चाहे आपके परिवार में किसी को समस्या होता है, आपको याद आ जाएगा कि हाँ नहीं, यहाँ पे इस चैनल में वीडियो बना हुआ है, तो आप एक बार आके वीडियो को देखेंगे और जाके उसको उपचार कर लेंगे, और आपकी जो समस्या है दूर हो जाएगी।
तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों ये, हम जो हमारे पास जो जानकारी होती है, जो 100% जो रिजल्ट आता है उसी पे हम वीडियो बनाते हैं, अन्यथा हम वीडियो नहीं बनाते हैं। हम आप लोग का मदद करना चाहते हैं और आपसे हम यही चाहते हैं कि आप हमारा वीडियो को आप देखते रहें।